आज क्लास 10 के इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से सर्कम सर्कल और इन सर्कल यानी परिवृत्त और अंतर्वृत्त का कंस्ट्रक्शन यानी रचना किया जाता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल वे में किस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे सर्कम सर्कल और इन सर्कल का, ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सर्कम सर्कल यानी परिवृत्त की रचना किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि परिवृत्त है क्या। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन होगा, अगर याद रखने का तरीका देखो, इन सर्किल, सर्किल के अंदर, अंत, इसका हिंदी में नाम है अंतर्वृत्त यानी वृत्त के अंदर, यानी ऐसा एक वृत्त बनाना है जो किसी त्रिभुज के अंदर हो, यह है इन सर्किल। ठीक है, और ठीक इसका उल्टा क्या होगा, वो होगा सर्कम सर्कल या परिवृत्त यानी, और त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु इस वृत्त को छूनी चाहिए, टच होनी चाहिए। और इन सर्कल के लिए क्या होगा, ऐसा एक वृत्त बनाना है त्रिभुज के अंदर कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ये सर्कल जो होगा वो स्पर्श करना चाहिए। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन सर्कम सर्कल, एक परिवृत्त और अंतर्वृत्त के बीच में मेन अंतर। अभी इसको रचना हम किस तरह से करें इसे ध्यान से देखो। क्लास 9 में इसके पहले हमने सीखा हुआ है कि किस तरह से एक त्रिभुज की रचना करते हैं। कोई भी त्रिभुज अगर तुम्हें दिया हो, जैसे एक त्रिभुज हम मान लेते हैं जिसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ये तीन त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हुई है और तुम्हें बोला गया है त्रिभुज बना, तो तुम आसानी से कंपास की मदद से और स्केल की मदद से एक त्रिभुज बना लोगे। इवन अगर एंगल दिया होता कि 60 डिग्री, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दो भुजा 6 एंड 7 और एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो तुम इस केस में भी आराम से ट्राइंगल बना लोगे। ठीक, तो ट्राइंगल बनाना हमारा यहाँ उद्देश्य नहीं, ट्राइंगल किस तरह से बनाते हैं वो हम जानते हैं, ट्राइंगल बनाने के बाद उससे हम किस तरह से सर्कम सर्कल या परिवृत्त बनाते हैं ये हम सीखेंगे इस अभ्यास में। ठीक है, तो सब तो ये हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि चूंकि तुम्हें त्रिभुज बनाना पहले ही क्लास में आ चुका है, तो अब ये तुम जानते हो कि किस तरह से त्रिभुज बनाते हैं, तो तुमने ये कंपास और स्केल की मदद से ABC त्रिभुज बना लिया। अब जो हमें सीखना है कि किस तरह से परिवृत्त यानी ऐसा एक वृत्त बनाएं जो वृत्त इस त्रिभुज के बाहर स्थित हो और त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु यानी त्रिभुज के तीनों जो वर्टेक्स है वो उस वृत्त को टच करे यानी छुए। ठीक है, बनाने का तरीका देखो क्या है। सबसे पहले यहाँ तुम्हें तीन भुजाएं दिख रही हैं, AB, BC और AC, तीनों में से कोई भी दो भुजा, तीनों में से कोई भी दो भुजा अपनी पसंद के तुम लो और उन दोनों भुजाओं को एक एक करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंबार्धक खींचना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कहने का मतलब है, अगर मान लेते हैं AB भुजा मैं पढ़ रहा हूँ सबसे पहली भुजा, तो AB को दो बराबर भागों मुझे विभाजित करना है। ठीक है, AB भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करना है यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो, कंपास लेना है तुम्हें, कंपास को AB भुजा जो होगी उसके आधे से ज़्यादा, AB भुजा के आधे से ज़्यादा लंबाई तक तुम्हें खोल लेना अंदाजे से। मान लो इसका आधा यहाँ तक आएगा, तो मैं कंपास को इसके आधे से ज़्यादा तक खोल लेता हूँ। ठीक है, कंपास को मैं बी बिंदु पर रखूँगा यहाँ, और एक बार इस तरह से क्रॉस करूँगा और एक बार इस तरह से, क्लियर। अब कंपास को छोटा बड़ा नहीं करना, जिस तरह आकार में था उतना में ही रखना है, ए बिंदु पर रखना है। ठीक है, ए बिंदु पर रख के कंपास को ए बिंदु पर रखेंगे, कंपास को इस तरह से क्रॉस करेंगे और इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार कट गया, देखो ये थोड़ा दूर चला गया, मैं इसको थोड़ा सा एक बार और घुमा देता हूँ, बी बिंदु पर रख के यहाँ से अगर घुमाएंगे तो ये तुम्हें मिला, यहाँ देखो तुम्हें कटआउट बिंदु मिला, यानी यहाँ पे और यहाँ पे एक कटआउट बिंदु मिल रहा है। इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमें क्या करना है, इसे जोड़ देना, ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है इन दोनों को हमें जोड़ देना कुछ इस तरह से। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, AB को हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी दो बराबर भागों में बांट लिया। अब हम BC या AC कोई भी दोनों में से, तो मान लेते हैं BC को भी हमें लंबार्धक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, तो क्या करना है, आधे से ज्यादा लंबाई लेंगे BC का मान लेते हैं मिडिल पॉइंट ये है, उसका थोड़ा लंबा खींच लेते हैं इसे, ये मान लेते हैं ये। ठीक है, अब बी पॉइंट नोकीले वाले हिस्से को पॉइंट बी पे रखेंगे। ठीक है, एक बार ऐसे और एक बार नीचे, क्लियर। अब इसे छोटा बड़ा नहीं करेंगे, कहाँ रखेंगे, सी बिंदु पे रखेंगे, सी बिंदु पे रख के एक बार इस तरह से और एक बार इस तरह से। तो देखो तुम्हें दो कटाव बिंदु दोबारा से मिल रहे हैं, हाईलाइट कर लेते हैं ये और ये। इसे भी जोड़ लेते हैं स्केल की मदद से, तो देखो तुम्हें कहाँ मिल रहा है पॉइंट, ठीक यहाँ। ये दोनों रेखाएं, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंबार्धक जिस बिंदु पे कटेंगे
जैसे इस बिंदु, इसका नाम देते हैं ओ, जिस बिंदु पे कट रहे हैं उस बिंदु से ए बिंदु की दूरी, उस बिंदु से बी बिंदु की दूरी और उस बिंदु से सी बिंदु की दूरी हमेशा बराबर होगी। यानी कहने का मतलब ये कि अगर ओ से ए की दूरी जितनी है, ओ से बी की दूरी जितनी होगी, ओ से सी की दूरी भी अगर उतनी ही है, तो ओ से ए या ओ से बी या ओ से सी किसी को भी एक अर्धव्यास मान के, तो देखो ओ से अगर बी को अर्धव्यास मांगने और यहाँ से अगर एक हम वृत्त खींचे, तो ये जो वृत्त हमें मिला ओ से बी बिंदु को, ओ से बी बिंदु को अर्धव्यास माने, तो यहाँ से हमें जो वृत्त मिला, देखो ये वृत्त ए सी और बी तीनों को स्पर्श किया, इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु को स्पर्श किया और ये त्रिभुज इस वृत्त के अंदर है, क्लियर। तो ये जो सर्कल हमने बनाया, ये सर्कल क्या बना, ये सर्कल बना तुम्हारा सर्कम सर्कल या परिवृत्त बना, किस त्रिभुज का, ए बी सी त्रिभुज का, क्लियर हुआ, समझ गया किस तरह से बनाना। तो ध्यान दो, इस सर्कल में ये जो केंद्र मिला है इसे हम कहते हैं सर्कम सेंटर या परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है, इसे कहा जाता है सर्कम सेंटर या परिकेंद्र। और ओ से बी या ओ से ए या ओ से सी ये तीनों दूरी बराबर है, इसका मतलब क्या, ये अर्धव्यास यानी रेडियस है और इसे वृत्त का क्या कहेंगे, सर्कम रेडियस या अर्धव्यास कहेंगे, क्लियर हुआ। अब हम सीखेंगे इन सर्कल या अंतःवृत्त कैसे बनता है। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए वही सेम उदाहरण पहला वाला मानते हैं कि एक त्रिभुज है जो है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इसकी तीनों भुजाएं हैं, वैसा तुम्हें त्रिभुज बनाना है, फिर उसका तुम्हें अंतःवृत्त यानी इन सर्कल बनाना। तो त्रिभुज बनाना तो हमारा पहले से ही सीखा हुआ है, हमें क्या सीखना है, इन सर्कल यानी अंतःवृत्त। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, इन सर्कल यानी त्रिभुज के अंदर सर्कल बनाना है या अंतःवृत्त, जो इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाना है। अब त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाने का तरीका देखो क्या है, इसके तुम्हें तीन कोण दिख रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तीनों एंगल, ये तीनों एंगल में से कोई भी दो, इसके पहले हमने देखा था तीनों भुजाओं में से कोई भी दो, इन सर्किल में तीनों एंगल यानी तीनों कोणों में से कोई भी दो कोण को तुम्हें सम विभाजित करना है, सम विभाजित यानी बराबर दो भागों में बांटना है एंगल को। अब एंगल को किस तरह से सम विभाजित करते हैं तुम्हें मालूम होगा, इसके पहले क्लास में सीखा हुआ है, कंपास को लेना है, एक निश्चित आकार में खोल लेना है, ठीक। अगर मुझे एंगल बी को समद्विभाजित करना है तो मुझे एक कंपास को बी पे रखना है, एंगल बी, और इस तरह से काटना है, ठीक है। अब इसे मैं छोटा बड़ा नहीं करूँगा, जिस आकार में था उसी आकार में रखूँगा। अब इस कटाव बिंदु ने, इस आर्क ने बी सी को जहाँ पे काटा है, यानी इसको अगर हम हाईलाइट कर लें, एक यहाँ पे बिंदु मिल रही है और एक यहाँ बिंदु मिल रही है, ठीक है। कंपास को मैंने छोटा बड़ा नहीं किया था, जिस आकार में था उसी आकार में है। अब हमें यहाँ बी पे रखना है, अब हमें इस बिंदु पे रखना है, यहाँ पे रख के कुछ इस तरह से बनाएंगे और फिर इस बिंदु पे रखना, इस बिंदु पे रख के कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो देखो हमें क्या मिला, दो आर्क इंटरसेक्ट किए, यहाँ पे एक कटाव बिंदु मिला, इसे हमें जोड़ देना एंगल बी के साथ कुछ इस तरह से, दे। तो ये जो लाइन मिला हमें, इसका नाम अगर हम दे देते हैं एन, ये बीएम जो लाइन मिला, इस बीएम लाइन ने ए बी सी यानी एंगल बी को दो बराबर भागों में बांटा, समद्विभाजित कर दिया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अब हम एंगल सी का, तुम चाहो तो एंगल ए का भी कर सकते हो, एंगल सी का भी हम समद्विभाजक निकालेंगे। तो कंपास को एक निश्चित आकार में खोल लेना है, मान लेते मैंने खोल लिया निश्चित आकार में, एंगल सी पे रखा है, कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। बनाने के फलस्वरूप देखो क्या हुआ, यहाँ पे भी हमें दो पॉइंट मिल रहे हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। कंपास को हम छोटा बड़ा नहीं करेंगे, जिस आकार में इसे काटा था उसी आकार में रखेंगे, एंगल सी पे रखा उसी आकार में रखेंगे, एक बार यहाँ पे रखा और इस तरह से बनाया और फिर इसे यहाँ पे रखेंगे इस बिंदु पे, देखो यहाँ पे रख के ये बनाया, यहाँ देखो हमें एक और इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला ये, ठीक है। इसे भी हम जोड़ लेते हैं स्केल की मदद से सी के साथ, इसका नाम दे देते हैं एन। तो सी एन या एन सी जो लाइन मिला उसने एंगल ए सी बी को दो बराबर भागों में बांटा, ठीक, क्लियर हुआ। अब ये एन सी और बी एम जो दो लाइन थे समद्विभाजक थे, वो दोनों आपस में जिस बिंदु पे कटे हैं, वो किस बिंदु पे कटे हैं, इस बिंदु पे कटे हैं, इसका नाम हम देते हैं ओ, इसका नाम क्या दिया, ओ, ठीक है।
ये जो बिंदु हमें मिला ओ, ओ बिंदु से बी सी रेखा हो या ओ बिंदु से ए बी रेखा हो या ओ बिंदु से ए सी रेखा हो, कोई भी तीन रेखा में से किसी एक में परपेंडिकुलर खींचना है। किस पे? चाहे तो बी सी या तो ए बी या तो ए सी पे लंब बनाना है। अब लंब बनाने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। कंपास को लेना है हमें, कंपास को ओ बिंदु पे रखना है और इतना बड़ा खींचना है ताकि ओ बिंदु पे रखने के बाद, देखो कंपास को मैंने लिया, कंपास को मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, ओ बिंदु पे रखा और कुछ इस तरह से बनाया, देखो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से एक आकृति बनाएंगे ताकि ये जो आर्क है बी सी भुजा को यहाँ पे और यहाँ पे काट सके। मुझे कंपास को उतना ही खोल लेना है, अगर कंपास को मैं छोटा खोलता तब तो आकार ऐसा बनता, तब बी सी भुजा नहीं कटती, इसलिए कंपास को मुझे इतना अंदाजे से खोल लेना है ताकि ये जो आर्क बनेगा, ठीक, ये बी सी भुजा को दो बिंदुओं पर काटे। काटने के बाद क्या होगा, देखो कंपास को मैंने जिस आकार में खोला था उसी आकार पर मैंने रखा है, छोटा बड़ा नहीं किया है, यहाँ पर अब रखना है, ठीक, यहाँ यहाँ जो कटा था यहाँ पर रखा और इस तरह से बनाया, ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से सी पे रखा और ठीक उसी प्रकार से इस बिंदु पर रखा और इस तरह से बनाया, ठीक है। तो देखो क्या मिला, एक कटा बिंदु मिला, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, अब मुझे क्या करना है, ओ से इस बिंदु को जोड़ देना है। ओ से इस बिंदु को जोड़ने के फलस्वरूप ये जो लाइन मिली मुझे ओ, और इस बिंदु का नाम अगर हम देते हैं एन, ये ओ एन जो मुझे लाइन मिला, ये क्या मिला, असल में लंब मिला, किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर मैंने बना लिया ओ एन, यानी ये जो मैंने बनाया, ये जो रचना हमने की, ये रचना हमने सिर्फ किस लिए की, ताकि हम ओ एन यानी ये लंब बना पाए, किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, जो हमने लंब बनाया परपेंडिकुलर बनाया ओ एन, ठीक, यानी ये जो तरीका हमने सीखा ये था परपेंडिकुलर बनाने का तरीका। अब ओ एन हमें मिल चुका है, अब ओ पे हम रखेंगे कंपास, ओ से लेकर एन का मान लेंगे, एन का मान लिया, ठीक है, और एक सर्किल बनाएंगे, देखो ये हमने सर्किल बना लिया, और ध्यान से देखो इस सर्किल ने त्रिभुज को तीनों बिंदु पर, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ, तीनों बिंदु पे स्पर्श किया, क्लियर हुआ। ये तो सर्किल हमने बनाया ओ एन को अर्धव्यास मान के, इस वृत्त ने ए बी सी त्रिभुज को तीनों बिंदुओं पे, तीन बिंदुओं पे, ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को तीन बिंदुओं पे स्पर्श किया हुआ, तो ये जो वृत्त बना, इस वृत्त को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग अंतर्वृत्त या इन सर्किल, ये जो केंद्र मिला इसे हम कहेंगे अंतः केंद्र या इन सेंटर, और ये जो रेडियस हमें मिला ओ एन हो, ये जो रेडियस हमें मिला ओ एन, इसे कहेंगे अंतर रेडियस या इन रेडियस, क्लियर हुआ, समझ गए। तो किस तरह से हम इन सर्कल अंतर्वृत्त बनाएंगे सीख गए, त्रिभुज चाहे किसी भी आकार का हो, त्रिभुज बनाना हम पहले ही सीख चुके हैं, त्रिभुज जो भी हमें मिले हम पहले त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाने के बाद इन सर्कल या अंतर्वृत्त बनाने का तरीका क्या, कोई भी दो कोण, तीनों में से कोई भी दो कोण को हम समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित करने के बाद दोनों समद्विभाजक जिस बिंदु पर कटेगा उस बिंदु से किसी भी एक भुजा, उस बिंदु से किसी भी एक भुजा, त्रिभुज के किसी भी एक भुजा पर हमें लंब बनाना है, लंब बनाने के बाद जो हमें अर्धव्यास मिलेगा, लंब बनाने के बाद जो हमें केंद्र से भुजा की दूरी मिलेगी उसे अर्धव्यास मान के हम वृत्त बनाएंगे, और देखेंगे कि वृत्त जो होगा त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करना चाहिए। अगर तुम्हारा वृत्त जो है त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श ना करे तो इसका मतलब कहीं पर हो सकता है बनाते समय तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो या लाइन खींचते समय थोड़ा खिसक गया हो, ये दो तीन बार प्रैक्टिस करने से आसानी से तुम इसे सीख जाओगे, क्लियर हुआ। तो अंतर्वृत्त और परिवृत्त बनाना सीख गए।